आज हम बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे। सोमानिये मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। मैं मस्तक में ब्रह्मकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं ज्योति सितारा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है स्वयं भी आत्मा बिंदु रूप में स्थित होना है। और निरंतर मेरे पिता जो ज्योति बिंदु हैं अब उनको ही याद करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर रहना है। और हर बात में बिंदी लगाते जाना है। जो भी इस पल इस घड़ी जो भी बीता जो भी हुआ जो बीत गया उसे नथिंग न्यू इस स्मृति से बिंदी लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया हुआ है।
मैं आत्मा और मेरा बाबा और इस सृष्टि की रचना सब कुछ इस बिंदी में समाया हुआ है। मुझे और जानना ही क्या है। इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य बाकी कौन सा रह गया? बस अब तो सांसों सांस मुझे मेरे बिंदु बाबा को याद करना है। ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार केवल एक मात्रा में समाया हुआ है, वो है बीज रूप बिंदु बाबा। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। और मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई। स्वयं में भरे हुए 84 जन्मों के अविनाशी पाठ को मैं भूल गई। और अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल खुद को तेज समझने लगी। और इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटककर अपने अविनाशी प्रियतम अपने साजन अपने रहबर अपने प्यारे दिलबर को भूल गई। मेरे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रावण की जेल से निकाल दिया। आपने ही मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई हुई स्मृति को वापस लौटाकर आपने मुझे स्वीकार किया। मुझे ये याद दिलाया कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ।
आपने मुझे अपने सच्चे स्वरूप की स्मृति दी। इन तीन बिंदियों को भूलने से ही मेरा ये हाल हुआ। मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूँ। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया। अब मुझे अपने असली घर को लौटना है और उसके लिए मुझे अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, जिस रूप में मैं साकार दुनिया में वापिस आई। मैं अशरीरी बनकर इस धरा पर आई थी। और अब अशरीरी बनकर मुझे वापिस जाना है। मैं अनादि, अविनाशी, बिंदु आत्मा हूँ। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु हूँ। मैं प्रकाशमान हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु हूँ।